जय हिंद, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं सच्चाई आजकल। इस वक्त हम मौजूद हैं चानक प्रखंड के मनपुर बाजार में, जहाँ की हमारे साथ प्रोजेक्ट मुखिया जी प्रदीप मुखिया जी मौजूद हैं। आज हम इनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो 26 जनवरी और सरस्वती पूजा शेव दिन है, तो किस तरीके से यहाँ पे उसका जो उत्साह मनाया जाएगा, ये हम मुखिया जी के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे। पहले मुखिया जी का नाम जानते, सर क्या नाम है आपका? प्रदीप पासवान। तो ये जो 26 जनवरी और ये जो सरस्वती पूजा एक ही डेट आ रहा है मुखिया जी, तो ये इसमें आपको किस तरीके से इनको आप मनाया जाएगा? देखिए, 26 जनवरी, इसमें 26 जनवरी और सरस्वती पूजा, ये दोनों एक ही दिन है। तो हम यही कहना चाहता हूँ कि पूरे चानन वासियों मिलकर सही से मनावे, शांतिपूर्वक से, इस पर कोई खतरा ना हो। और मेरा नाम प्रदीप पासवान है, मैं भरू पंचायत के वर्तमान मुखिया। मुखिया जी, उस दिन कितना आदमी यहाँ पे जो है निमंत्रण दिया जाएगा, उस दिन क्या क्या चीज का व्यवस्था रहेगा, ताकि ये जो है वीडियो पब्लिक में जाता, अथवा सब पब्लिक को जानकारी होना चाहिए, क्या क्या चीज का उस दिन व्यवस्था रहेगा? उसमें तो वही होता है, झंडा तोरण दिन जो वही प्रसाद उसको बनता है, सब पूरा पंचायत का ग्रामीण आता है, सब आनंद करता है झंडा तोरण। तो उस दिन जो है कुछ ऐसा भी कुछ अलग से कोई प्रोग्राम भी रहेगा या कुछ ऐसा कुछ है? जी सर, अभी तो ये सब का नया प्रोग्राम किया हूँ, मगर देखते हैं ठीक है। और चानन प्रखंड में जो है सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर जो है हर साल वहाँ पे कुश्ती का प्रतियोगिता किया जाता है, और अगला बार वहाँ पे भागदड़ हो गया था, तो इस बार उस पर क्या आप लोग का सर किस तरीके से वहाँ पे डिसिप्लिन व्यवस्था का कुछ अलग कुछ बताइए सर, जो कि इस बार वैसा ना हो। इस बार हम लोग तो चानन थाना से अपना मांग कर सकता हूँ, अब थाना वाला जाएगा तो सही है, दंगा फसाद नहीं होगा। हम लोग तो यही कर सकते हैं कि आप लोग चलिए, मेला वेला लगता है, उसमें डिसिप्लिन सब आना चाहिए। सर, साथियों आप देख सकते हैं कि मुखिया जी द्वारा ये बताया जा रहा है कि अभी जो है सरस्वती पूजा और ये जो 26 जनवरी है, ये बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। और इनका ये संदेश है कि तमाम जो भी चानन वासियों हैं, सब मिलजुल के प्रेम भाव से अच्छा से मनाना है। और वहाँ पे जो चानन क्षेत्र में सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर कुश्ती भी यहाँ पे होता है, तो उसमें भी अगला साल जो भगदड़ हुआ था, तो इस बार जो है मुखिया जी द्वारा बताया जा रहा है कि वहाँ पे इस बार चानन थाना क्षेत्र को समस्त नागरिक को ये इनका जो है इनके तरफ से ये कहना है कि वहाँ पे जाना है तो भगदड़ नहीं करना है, और शांतिपूर्ण से अपना कुश्ती प्रतियोगिता को देखना, जिनको कुश्ती लड़ना है वो कुश्ती भी लड़ सकते हैं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।